दो लोगों ने कहा है मुझसे, जैसे तुम लोग को टाइम मिल रहा है ना पढ़ने के, जैसे कल मैं ओम से बात हो रही थी, ओम परेशान था सर हर दिन क्लास हो रही है, मैथ्स की तो हर दिन क्लास नहीं रख रहा हूँ, तुम लोग बाकी में भी बोल दो ना सर हर दिन मत क्लास लीजिए, अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग को अपना बात फ्रेंकली बोलना पड़ेगा ना यार, ये बात ध्यान रखो ठीक है, चीटें छूटनी नहीं चाहिए। चलो अभी अपने को होमवर्क डिस्कस करने का है ना, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैं, तो इनवर्स इनवर्स वाला सेक्शन पढ़ाया था, समझ में आया क्या इनवर्स अच्छे से? सर पक्का ना, कोई इसको डाउट नहीं है ना इनवर्स में? हेलो, तो श्रेया तो क्या बहुत दूर बैठती है क्या माइक से, तेरी आवाज ही नहीं आती मेरे को, पता नहीं कहाँ लगता है कि आइलैंड पे बैठी हुई है। हेलो, यस एनीवेज कल से मैं आप लोग का वीडियो भी ऑन करवाने वाला हूँ, तो मतलब अपना अपना इंतजाम कर लेना कैसे बैठना है क्या बैठना है, तो बहुत लोग बिस्तर पर लेके बैठे होंगे, तो कल से आपका वीडियो मैं ऑन कराऊंगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेट्स डिस्कस देन ठीक है। एक दो सेक्शन, दो तीन सेक्शन डिस्कस कर लेता हूँ मैं अभी आज ठीक है, देन कम ऑन यार मैं क्लास ले रहा हूँ, कम ऑन यार। हाँ चलो बोलो ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, सेक्शन बी बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, अच्छा सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, बी फाइव बी सिक्स, हम बी सिक्स मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है, इसको लिख लो वहां पे अपने पास, बी सिक्स नोट कर लो, टू बी डन लेटर ठीक है फाइन। चलो सेक्शन सी आ जाओ, सेक्शन सी सी वन, यार फैन चला दो यार, आई एम बेगिंग फॉर व्हाट द हेल इज दिस यार, आई एम गेट बहुत कमी हो रही है यार। सेक्शन सी सी वन सी टू, शिवाली सी टू बन गए हैं, हाँ सर बढ़िया रहे गुड, सी थ्री सी फोर, ऐसे मैं क्या सोचा हूँ ना सर बता दो, मैं क्या सोचता हूँ अपन जब क्लास में ही पढ़ाई करेंगे ना, तो मोस्टली मैं बोर्ड बोर्ड को कुछ ऐसा करूंगा कि जब अपन लिखेंगे कॉपी पे, ताकि मुझे लगता है जब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ना अपन, तो बार बार फायदा होता है सुनने में, वैसा मुझे लगता है पर्सनली ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे क्लास में अपन इस चीज को कर पाए, और जब अपन जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो कम्प्लीटली ऑफलाइन रखेंगे भी नहीं, मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा ना उसको वही सेंटर पे बैठ के ऑनलाइन मोड में ही करेंगे ठीक है, ताकि मतलब आप बाद में सुन पाए, ऐसे क्या होता है क्लास में अपन समझते हैं तो लगता है ना समझ गए, और फिर घर जाके लगता है भूल गए, वो चीज में हेल्प करेगी ऐसा मुझे लग रहा है ठीक है। तो लेट्स सी विल ट्राई दिस, सी वन सी टू सी थ्री, यार एक मैं सबको अनम्यूट कर दूं क्या आज, एक मिनट के लिए सब लोग अपना, मैं सबको अपनी ओर से म्यूट अनम्यूट कर रहा हूं, अच्छा हाउ सबको कैसे किया था ठीक है फाइन, सभी लोग को मैंने पावर दी अपने आप को अनम्यूट करने की, तो आप लोग अपना जो बाकी श्रेया शिवाली और धनंजय खुद को तो अनम्यूट कर ही लो, और बाकी जिसको भी डाउट है तो आप अपना अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन सब लोग पहले ही अरे यार सी अरे मूर्खों, पहले सब लोग खुद को अनम्यूट, पहले सब लोग म्यूट कर लो खुद को, दो तीन लोगों को छोड़, धनंजय शिवाली श्रेया को छोड़ के बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लें खुद को, जब डाउट आएगा तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं क्लियरली ठीक है, बी वेरी क्लियर कि आपको क्वेश्चन पूछते तो अनम्यूट करना है और फिर म्यूट करना है ठीक है। चलो लेट मी स्टार्ट अगेन, सी फोर फोर में डाउट है
ठीक है, सी फोर में डाउट है. कौन बोल रहा है? सर मधुकरण. अरे मधुकरण बोल रहे हो, ठीक है. अरे तो तुम्हें सी, आई थिंक ये सब जीआईएफ वगैरह लिख रखा होगा, दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा छोटा है ना, मोबाइल पे देखना पड़ रहा है ना. सिग्नम फ्रैक्शनल जी आई एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है मधुकरण, तो आपको ये दिया किसका वैल्यू जीरो है, तो सिग्नम का वैल्यू जीरो कब होता है? सिग्नम एफ एक्स जीरो कब होता है बताओ? सिग्नम एफ एक्स जीरो कब होता है मधुकरण बताओ? जब एफ एक्स जीरो होता है तब ना. हाँ सर. जब इनपुट जीरो होता है इसका मतलब अपन को क्या करने का है, इस चीज को जीरो होने का चाहिए. ठीक है, इस चीज को जीरो होना चाहिए. ठीक है, अभी फ्रैक्शनल एक्स जीरो कब होता है? सर जब इनपुट जीरो होगा. इनपुट जीरो कब होता है बताओ? नहीं, अरे नहीं रे, जब इनपुट इंटीजर ना. हाँ सर, इंटीजर. इनपुट इंटीजर ना, इसका मतलब जीआईएफ एक्स शुड बी इंटीजर. इसका मतलब जीआईएफ एक्स शुड बी इंटीजर. ओके, अब जीआईएफ एक्स तो हमेशा इंटीजर होता है ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल. ठीक है, यस सर, क्लियर है. सी फोर वन हो गया. सी फोर का टू भी करना है मधुकरण? नहीं सर, वो फर्स्ट का थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक. सी फाइव, सी सिक्स. सर सी फाइव का सेकंड. सी फाइव, और जो वीडियो लेक्चर होते हैं तुम लोग सुनते हो ना, वापस नहीं सुनते हो कभी? अरे कोई नहीं सुनता है क्या वापस यार? मैं खुद ही खुश हो रहा हूँ कि अच्छा काम है, अच्छा काम है. कोई सुनता है यार? थोड़ा सा मोटिवेट कर दो मुझे यार, मतलब तुम कैसे बात कर दो, मैं डिमोटिवेट हो गया, मुझे लगा मैं फालतू में खुद ही. हाँ सर, सुनते हैं, डाउट होते तो सुनते हैं एक और बार. हाँ अच्छी बात है, वही क्लास में अपन करेंगे. बस उसके लिए क्लास में मुझे एक वॉच लगेगा, मोबाइल का एक ऐप लगेगा जो कि मोबाइल के स्क्रीन को बोर्ड पे प्रोजेक्ट कर पाए, बहुत मजा आएगा फिर अपने को. एक तो सिलेबस भी बहुत फास्ट भागता है इसमें. ठीक है, सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सॉल्व करना है ना. ठीक है, तो देखो ना, बहुत सिंपल सी बात है. क्वेश्चन पहले पूछा है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन. नाउ वी विल टेक केयर, एक डिस्टिंक्शन पैदा करेंगे. नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब क्वेश्चन रहता है ना, तो इनवेरिएबली यू नीड टू गो टू ग्राफ. नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इनवेरिएबली यू नीड टू गो टू ग्राफ. ओके, तो लेट्स मेक द ग्राफ. ये बात अगर आप देखो, बिना ग्राफ के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको अगर पूछा है फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन, देन यू हैव टू गो विथ एलजेब्रिकल अप्रोच, एलजेब्रा प्लस ग्राफ. ठीक है, अभी आपसे क्या पूछा है, बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो आई विल ट्राई कि लेट्स गो भाई. अरे रेहान सुन एक मिनट, रेहान ना, पेज गिर गया है, पेज गिर गया है, दो ना पेज, प्लीज गिरा है क्या? नहीं ना, तो आना पेज है ना. हाँ ठीक है, कुछ मेरे को उस पर. ओके, लॉर्ड ऑफ द स्टार, चलो गिर बंद कर जाओ. चलो ठीक है, तो नाउ लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस. पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. मैंने आधा पेज पढ़ा दिया और तब बोल रही है. हाँ अभी क्या होगा, मैं तो आधे से स्टार्ट किया, वापस कैसे करूंगा? जो पिछला क्वेश्चन अभी दिख रहा है क्या बोर्ड पे लिखा हुआ आपको? हाँ सर. जो सी, हाँ सर. जो सी फोर का सॉल्यूशन लिखा है वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर. दिख रहा है ना, तो फिर अपनी मेहनत नहीं हुई इतनी. चाहिए फाइन, अभी सिग्नम का ग्राफ बनाते हैं अपन. ठीक है, तो सिग्नम का ग्राफ बनाएंगे, सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन का. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो आपका ऐसा होता है. ठीक है, इस पे लगाना है अपन को सिग्नम. सिग्नम की डेफिनेशन क्या है बताओ? सिग्नम की डेफिनेशन क्या कितनी है? सिग्नम इनपुट क्या होता है बताओ? वन अगर इनपुट पॉजिटिव है, माइनस वन अगर इनपुट नेगेटिव है, और जीरो अगर इनपुट जीरो है. ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे? तो जहां पर नेगेटिव है तो यहां से यहां में सिग्नम की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, फिर यहां और यहां पर सिग्नम की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और उसके ऊपर में वैल्यू हो जाएगी वन. तो वन किस पे होगा? रूट टू पे होगा ना वन, तो
इनपुट इज इक्वल टू जीरो और इनपुट जीरो से बड़ा, तो वन की वैल्यू मतलब जीरो से बड़े में हर जगह वन आएगा ना, तो जीरो से बड़े में हर जगह वन आ गया। यहां तक सबको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नहीं है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको वापस से ले लूंगा। अभी अपन को सॉल्व करने का है x प्लस वन के स्क्वायर से, ठीक है? तो x प्लस वन का स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा क्वाड्रेटिक ग्राफ आएगा, ओके? तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ, x प्लस वन का स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा? x इक्वल टू माइनस वन पे कटेगा ना वो, तो ऐसा आ रहा है और ऐसा आ रहा है, ठीक है? कुछ गलती करी है क्या? मेरा नंबर ऑफ सेशन वन ही आ रहा है, क्या दिया है इसका आंसर? टू दिया है ना, मैंने क्या गलती करी है? हा? तुम लोग का टू आंसर आया था क्या श्रेया? सर वो वाई पे कट होगा ना, वाई पे कट होगा, वो एक्स जीरो होगा तो वाई वन होगा, x 0 होगा तो y 1 होगा। हाँ कौन सा ग्राफ गलत बनाया मैंने? गलती नहीं, गलती समझ में आई, गलती करी मैंने। ये बनाया मैंने इसका ग्राफ, ये मैंने इसका ग्राफ बनाया, इस पे मैंने सिग्नम लगाया और फिर x प्लस वन का होल स्क्वायर ग्राफ बनाया, तो एक ही जगह कट कर रहा है। अरे तो x इक्वल टू माइनस वन भी कर रहा है सेटिस्फाई, दोनों जीरो हो रहा है। हाँ 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 सॉरी 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 सॉरी, हाँ आई मिस्ड आउट दिस थिंग, ये था ना माय मिस्टेक, सिग्नम का मेरा ग्राफ ही, सॉरी सॉरी, हाँ माय यार एक कलर से, इसलिए ग्राफ वाले क्वेश्चन ना मैं उस वाले स्क्रीन पे करता हूँ, ये इस वाले में ग्राफ वाले में गलती आ जाती है, ठीक है? ये आ गया ना मेरा, हाँ, और ये था मेरा x प्लस वन वाला स्क्वायर, यस सॉरी आई मिस्ड आउट ना, ठीक है? तो वी हैव टू सॉल्यूशन ना, दिस इज वन सॉल्यूशन, ओके, एंड दिस इज सेकंड सॉल्यूशन, ये चमका क्या, ठीक है? अरे हेलो, ये क्लियर है क्या? ठीक है ना, फाइन। अभी प्योर एलजेब्रिकली सॉल्व करना चाहो, प्योर एलजेब्रिकली तो कैसे करोगे? आपको तीन केस बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो, तो आपका आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, आपका आएगा वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आपका करोगे आप लास्ट वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, ठीक है? तो क्या आएगा, माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये आपका आ गया प्योर एलजेब्रिकली। अरे ये सॉल्यूशन क्लियर है शिवाली, प्योर एलजेब्रा वाला? हाँ सर, ठीक है। अब मिक्सचर, ये प्योर ग्राफ था, अब अपन मिक्सचर बनाते हैं। तो मिक्सचर में क्या है कि ग्राफ को देख के अपन इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? वो एक्चुअली कुछ है नहीं, जो एलजेब्रा वाला पार्ट है ना उसी का चीज है, ठीक है? आपको ग्राफ में दिख रहा है ना, आपको ग्राफ में क्या दिख रहा है कि एक्स सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पर है? एक तो आपका एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन पे सॉल्यूशन है ना, और दूसरा सॉल्यूशन कहाँ पे है आपका, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पे सॉल्यूशन है। ये आ गया मिक्सचर। मिक्सचर मतलब आपने ग्राफ भी यूज किया और आपने इक्वेशंस भी यूज करी, तो इन दोनों से आपको क्या आ जाता है, आपको आ जाता है फाइंड सॉल्यूशन। क्या आ जाता है, फाइंड सॉल्यूशन। और इस वाले से बस क्या आता है आपका, इस वाले से क्या आता है बस आपका, ओनली यू गेट, व्हाट डू यू गेट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट डू यू गेट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे बोलो। C4 हो गया फिर, ठीक है, C5 हो गया अपना, फिर C6, 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 चलो मैं बिडिंग कर लेता हूँ, ठीक है? C6 वन, किसी के यहाँ किचन से आवाज आ रही है, कढ़ाई में कुछ बन रहा है। C6 वन, C6 2, C6 3, फाइन, C6 अनसोल्ड गया। C7, C7 1, C7 2, C7 3, C7,
C7 F of 1 अच्छा देखो ना तुमको जो भी C7 पूछा है कौन पूछा है नाम बताओ पहले आदित्य सर आदित्य आदित्य ये जो फंक्शन लिखा है जरा पढ़ के समझाओगे मैंने क्या लिखा है बताओ तो क्या बोल रहे हैं कि जब x रैशनल है तो वैल्यू क्या होगी 1 सॉरी जब x रैशनल है तो वैल्यू क्या है आउटपुट क्या है x है ना आदित्य अपने को अनम्यूट रखिए आप अभी आदित्य अनम्यूट रखिए जब आपका x रैशनल है तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है x आ रहा है हेलो हाँ सर आपको क्लियर है क्या ठीक है तो अब मुझे बताओ f of 1 कितना है 1 तो रैशनल है ना हेलो आदित्य 1 रैशनल है ना f of 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा e क्या होता है e is irrational तो irrational पे वैल्यू क्या बता रखी है 1 minus x f of e कितना हो जाएगा 1 minus e ठीक है तो वैल्यू तुम्हारा कितना हेलो ठीक है अभी उसने क्या किया है f of e पे उसने मॉड लगा दिया है f of e पे उसने gif लगाया है उसने f of e पे gif लगाया है और f of e पे उसने मॉड लगा दिया ऐसे कर दिया ठीक है तो अभी क्वेश्चन ये उठता है और यहाँ पर भी आपका gif है तो ये तो 1 आ जाएगा अभी 1 माइनस e का वैल्यू कितना होता है 2.71 माइनस 1 करोगे माइनस 1.71 आ गया ना e 1 माइनस e का वैल्यू इसका gif लगाओगे 1 माइनस e का वैल्यू विल बी माइनस 2 माइनस 2 का मॉड जो लगाओगे तुम दैट विल बी 2 That will be 2, okay? आदित्य क्लियर है क्या आपको वैल्यू कितनी आ गई 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 okay, sir, समझ गया सर समझ गए ठीक है सेक्शन सी के बाद हाँ भाई सेक्शन सी चलो ठीक है सेक्शन सी तक अपना डन हो गया ठीक है सेक्शन डी सेक्शन डी D1 एसपीपी में डाउट था सर आता हूँ सेक्शन डी तक कर लूंगा ना फिर एसपीपी में आऊंगा ठीक है सेक्शन डी सेक्शन डी D1 अभी डोमेन रेंज शुरू हो रहा है ईमानदारी से अच्छे से पूछना D2 का पहला D2 का दूसरा सर D2 का दूसरा कौन बोल रहा है विक्रम दो विक्रम थे ना कौन तू कौन सा वाला विक्रम तुम्हारा नाम बता विक्रम सिंह अच्छा ठीक है अपने एक विक्रम जीत भी था ना तू वही है क्या नहीं तू वो नहीं है नहीं सर एक अपने बैच में शिवाली था ना एक विक्रमजीत हाँ अब कहाँ है अपने साथ नहीं है है सर है वो है ठीक है f of x is equal to sine cos x ठीक है फाइन sine cos x तो उसका डोमेन निकालने का ठीक है तो डोमेन के लिए कंडीशन क्या होगी कि sine cos x जो हो वो पॉजिटिव हो ठीक है ओके विक्रम नाउ आप देखो cos x की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 cos x की रेंज होती है -1 से 1 और आप क्या चाहते हो sin के अंदर जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो ठीक है अरे है ना तो अगर cos x की वैल्यू -1 से 1 है और sin इसके अंदर लग रहा है तो ऑब्वियसली जब cos x की वैल्यू -1 से 0 होगी वो अलाउड नहीं हो सकती है बिकॉज जब साइन लगेगा उसके ऊपर तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी ना इट इज नॉट अलाउड सो आपने फिक्स कर दिया कि cos x को क्या वैल्यू एक्सेप्टेबल होएगा 0 से 1 होएगा ठीक है
अब cos x की वैल्यू 0 से 1 चाहिए मैंने, तो 0 से 1 cos x की वैल्यू कब होती है? यहां से यहां होती है और यहां से यहां होती है, ठीक है, विच इज 0 से पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, दिस इज योर वैल्यू x का अलाउड. नाउ आप इसको जनरलाइज कर दोगे, जनरलाइज कैसे हो जाएगा आपका, ये 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस पाई बाई 2 यूनियन 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस 2 पाई. अच्छा अपन रेड जोन में आते हैं, तुम लोग पनवेल रेड जोन में आता है कि किस जोन में आता है अभी, एनी आइडिया? ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, क्योंकि मैंने आज पेपर में पढ़ा कि शायद 15th या 30 जून से क्लासेस शुरू करने की, स्कूल शुरू करने की बात कर रहे थे नॉन रेड जोन में. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. वैसे सेंटर में पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है कि घर पे बैठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है? तो सेंटर, सेंटर पे. श्रेया तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, सेंटर की घर? सर सेंटर. ठीक है ठीक है, बट आई थिंक मिक्सचर ऑफ दोनों का मिक्सचर अच्छा रहेगा ना, मतलब ऐसा मुझे लगता है कई बार. जैसे चलो हो गया ना ये D2 का सेकंड, D2 का थर्ड, D2 का फोर्थ, D2 का फाइव, D2 का सिक्स. सिक्स्थ वाला सर. ये कौन है, हर्षदा? हाँ. अरे तू आजकल सैटरडे को प्रैक्टिस कैसे करने जाती है, जो लास्ट है तू खेलती थी बास्केटबॉल वगैरह, अब क्या कर रही है, छोड़ना पड़ गया अब? हाँ. फिर ये मैं लास्ट ईयर कह रहा था ना, कितनी क्लासेस मिस करी तूने उसकी वजह से बता? काफी क्लासेस मिस करी. नहीं नहीं, क्लास में पूछो, मैंने क्लास में लोगों को बोल रखा था तेरा पैटर्न है फ्राइडे सैटरडे को एब्सेंट होने का, पूछ लो. ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी देर आए दुरुस्त है, क्या दिक्कत है. नाउ दिस इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे हर्षदा, समझो हर्षदा ध्यान समझ. हाँ. कैसे करेंगे, फाइन. वी विल हैव log 2x minus 2 less than 0, ठीक है, log half 3x minus 1 less than 0, ठीक है. और इसका क्या आ जाएगा, log half x minus 2, अरे मैं क्या लिख रहा हूं, सॉरी, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, समझे? हाँ. ये चीज क्लियर है क्या? हाँ. ठीक है तो उसको करते हैं फिर, कुछ अच्छा सीखने को लगता है मिलेगा और देखते हैं. तो इस वाले से पहला वाला इक्वेशन है, इससे क्या सॉल्व हो जाएगा बताओ, लेस देन जीरो, लॉग इधर आते हैं, इससे क्या आएगा, लॉग टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब टू एक्स माइनस टू आता है ना सॉल्व करने हर्षदा, ये आता कि नहीं आता है, ये तो आता ही होगा है ना. हाँ. इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, और इसका खुद का डोमेन क्या था, लॉग के अंदर था ना, एक्स माइनस टू पॉजिटिव, मतलब एक्स जो है 2 से बड़ा है, तो ये आ गया, साथ में एंड है, अपने को इसको भी सॉल्व करना है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, पहली में 3x minus 1 greater than 0, x आ गया 1 by 3 से बड़ा, और फिर 3x minus 1, हाँ, अब यहाँ पे बेस क्या है हर्षदा, हाफ है ना, रिवर्स होगा फिर, रिवर्स हो जाएगा, गुड, तो ये आ गया x is less than 2 by 3, ठीक है, समझे ना, तो आपका क्या आ गया, 1 by 3 से 2 by 3 आ रहा है आपका इस सेक्शन में, तो अभी आपका क्या आ रहा है, greater than 3 यहाँ से आया और यहाँ आया 1 by 3 से 2 by 3, 5. 1 by 3 से 2 by 3, यहाँ तो मेरा 5 बन गया, आई होप मैं सही कर रहा हूँ. ठीक है इधर आते हैं, तो लेस देन, पता नहीं मुझे लग रहा है कुछ गलत किया लग रहा है कुछ, लेट्स सी क्या होता है. तो लेस देन 0 पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x is less than 3 है ना, और इस वाले को सॉल्व करेंगे
तो इस वाले में क्या आ जाएगा, लॉग हाफ एक बार लिख लेते, मुझे लग रहा है पिछले किसमें गलत सॉल्व किया मैंने, लेस देन लॉग हाफ वन, ठीक है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो थ्री माइनस वन ग्रेटर देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री, एक्स इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री, कुछ तो मैंने गलत किया है कैलकुलेशन क्या? सही किया है, आंसर नहीं कर रहा ना सर, डोमेन में एक्स ग्रेटर देन टू ना, मैं इसका ओरिजिनल डोमेन तो लिखा ही नहीं हूँ, सॉरी x greater than 2 है ना, तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे से आ गया ना x greater than 2 आ गया ना, है ना, तो मेरे पास उत्तर क्या आ गया, 2 से 3, 2 से 3, ये एक तरीका है, ठीक है, क्या इसमें और तरीका हो सकता है, फास्ट तरीका, यस, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ऊपर वाले के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है श्रेया, ऊपर वाले के क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऊपर वाला वैल्यू जीरो कब हो रहा है वही क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, नीचे वाले के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2/3 है जी, 2/3, नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2/3 है ना, और सिस्टम का कॉमन डोमेन मालूम ही है, इस पूरे सिस्टम का कॉमन डोमेन क्या है, वो अपन दीवार बाद में खड़ी कर लेंगे, फिलहाल बस साइन स्कीम लिख रहे हैं, ठीक है, अब 3 से आगे में साइन बता दो बस मुझे, 3 से आगे में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, अरे भाई सुनो तो, 3 से आगे में साइन पूरे एक्सप्रेशन का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, अरे 10 डाल दो यार, 10 डालोगे ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, तो हाफ और ये वाली वैल्यू 1 के आजू बाजू में शिफ्ट हो गए ना, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस, ये बात चमकी, ठीक है, अब कॉमन डोमेन, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव होने के लिए 2/3 से 3, ओके, अब इसको डोमेन लगा दे, डोमेन कंडीशन, अरे हेलो समझ में आया क्या, तो क्या आंसर आ गया, 2/3 ना, ये बहुत फास्ट है ना, अरे श्रेया शिवाली मेथड क्लियर है, हर्षदा मेथड क्लियर है, ये फास्ट है ना सीधा, अपन जो इंडिविजुअली किए बहुत लंबा गया है ना, ये साइन स्कीम का एप्लीकेशन लास्ट टेबल सिखाया था ना आपको एंड ऑफ द टॉपिक में, कि हम लोग इससे इनइक्वालिटी में कुछ भी सॉल्व कर पाते हैं ना, समझ में आया क्या मैंने क्या किया, हां सर, ये माइनस प्लस माइनस कैसे लिखा पता है ना, माइनस लिख लिया है ना, फिर क्या देखा हमने कि 3 कितनी बार आ रहा है, धनंजय क्लियर है ना ये बात आपको, 3 एक बार आया है तो उसके अबाउट एक बार साइन चेंज हुआ है ना, आपके बैच में तो 10-12 बार किया था धनंजय ये पार्ट, तो 10-12 बार करते चले गए थे, पागल हो गए थे करते करते यार, ठीक है, ये क्लियर है क्या, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, जो मैंने बॉक्स किया है, दिस इज अ वेरी गुड मेथड, यू शुड ट्राई टू अप्लाई दिस मेथड, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर तुमने किसी ने किया था क्या इस मेथड जैसे मैंने किया, किसी ने किया था क्या, एनीबॉडी एनीबॉडी, हाँ सर समबडी, किसने किया था, कौन था, किसने किया था सर, मैंने, ओम, हाँ सर, बढ़िया, देखो मैं धीरे धीरे ना एकलव्य बन जाऊंगा, शब्द भेदी बाण चला रहा हूँ मैं, तुम्हारी आवाज से पहचान रहा हूँ, आप सोचो, ठीक है, सेवेंथ सेवेंथ एनीबॉडी, सेवेंथ डाउट है क्या, सेवेंथ डाउट है क्या, सेवेंथ सेवेंथ वन सेवेंथ टू सेवेंथ थ्री सोल्ड, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा क्वेश्चन याद है ना, कराया था ना आपको मैंने, याद है कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा वाले में अपन कैसे इंटरसेक्शन करते हैं ना, D3 वन, बिंदास पूछो, एक भी नहीं बनाया है सब पूछो, मैं सब सॉल्व करूंगा, D3 वन D3 2 D3 यार आई होप की हो गया, D3 1 D3 2 D3 है, D3 3rd D3 4 अरे D3
4 अरे 3 5 अरे की होना यार D3 6 शिवाली किया है कि नहीं किया है किया है सर D3 7 सर 7 कौन है ये मधुकरण हाँ सर नहीं अच्छा क्या बाकी लोग क्या डर के बैठे हुए हैं क्या कि मतलब डाउट नहीं पूछना है सर से अब तो मैं डांट भी नहीं सकता हूँ कैसे डांटूंगा यहाँ पर डांटूंगा तो मुझे खुद ही मेरी आवाज का इको सुनाई देगा ठीक है डोमेन निकालना है ठीक है मधुकरण तो क्या है अरे प्रियंका रघुनाथ तुम भी अपने आप को अनम्यूट करो तो तुम क्या पढ़ाई करो पता नहीं चल रहा है मुझे पता नहीं किधर हो तुम लॉग 1/4 क्या हुआ लॉग 1/4 5x - x2 ठीक है मधुकरण तुम क्या चाहोगे इसमें देखो लॉग 1/4 5x - x2/x2/4 इसको होना चाहिए पॉजिटिव ठीक है तो वही चीज है ट्रिग्नोमेट्री वापस से लॉग वाली इनइक्वालिटी आ जा रही है मधुकरण 5x - x2/4 इसको बड़ा होना है लॉग 1/4 1 से ठीक है मधुकरण अभी बेस जो है 1 से छोटा है ना तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस तो तुम्हारा आ जाएगा x²-5x+4 शून्य से बड़ा और जो फंक्शन का जो इंटरनल डोमेन है वो हो जाएगा 5x - x²/4 0 से बड़ा तो आपका यहां से आ जाएगा दिस इज योर कमिंग 0 एंड दिस इज 5 This is minus, plus and minus. So here you get 0 से 5. And here if you come, I am getting x - 1 into x - 4, which shall be 0 से बड़ा. That implies minus infinity से 1, union 4 से infinity. ठीक है? अभी इन दोनों का intersection ले लेंगे, अपने पास आएगा 1, union 4 से 5. ठीक है? 8th question. Eighth question. D4. Question 1. D4. Question 2. Is it not put again 2? D4. Question 2. D4. Question 3. क्वेश्चन 3 डाउट है क्या D4 क्वेश्चन 4 अरे ओम कोनकड़े तुमको डाउट एक भी नहीं आ रहा है क्या सर मैंने सेक्शन डी नहीं किया है दिमाग खराब है क्या क्यों नहीं किया चार तुमको 4 दिन से होमवर्क दिया टाइम पास चला क्यों नहीं किया तूने होमवर्क सर वो हाँ सर मैंने एबीसी तक किया था कितने दिन पहले होमवर्क दिया है मैंने सर 4 दिन पहले फिर तो तूने एबीसी कब किया तूने कल किया है ना एबीसी आज सुबह किया होगा तूने एबीसी कब किया एबीसी तूने सर एबीसी जब आपने पहली बार दिया था हाँ उसके बाद छोड़ क्यों दिया रोज का होमवर्क D4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 D4 का 5 कौन बोल रहा है वेदांत 5 + sin x + 4 sin x देखिए a sin x plus b cos x का रेंज कितना होता है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना रेंज आपका रेंज कितना आ जाएगा बताइए -5 से 5 आ जाएगा ना 5 जोड़ दीजिए रेंज आ गया 0 से 10 ठीक है ऐसे होम दिखाता है तू कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ और क्या बकवास तो होमवर्क तेरे से नहीं होती है यार हद हो गई यार जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तूने वो किया ही नहीं बहुत अच्छी बात है सेक्शन डी आगे बोलिए D6 का सेकेंड एक बेग बेग मिटल जो डी फाइव
डी फाइव का कोई फर्स्ट पूछा है क्या? डी फाइव का नहीं सर, गलती से बोला। ठीक है, डी फाइव का फर्स्ट, डी फाइव का सेकंड, डी फाइव का थर्ड, डी फाइव का फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन को ढाल के लिए, इट इज वेरी हॉरिबली बैड क्वेश्चन, ठीक है, एंड आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन बट फाइन। देखो दिक्कत क्या है ना, कि तुमको ना अंदर का बिहेवियर लगेगा, इसका आउट इनपुट चाहिए, ठीक है। पूरी कहानी इसी की होती है कि फंक्शन के अंदर इनपुट कैसा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं और तरीके